हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास खल्लास। तो आज की जो वीडियो है क्लास 11 के लिए, जहां पर हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बुक का पॉलिटिकल साइंस का विधायिका चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे कुछ मेन क्वेश्चन आंसर उनकी बुक का, जहां पे चैप्टर का नाम आपको बता दिया है विधायिका। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ मेन क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे दे रखा है संघ क्या है और संघ की दो विशेषताएँ बताइए। तो हम समझ लेते हैं संघ क्या है। तो कुछ राजनीतिक इकाइयों से मिलकर जब एक राज्य बनता है तब उसे संघ कहते हैं। संघ की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है, कौन सा है, क्या लिखा है। संघ का संविधान लिखित व कठोर होता है। क्या होता है, संघ का जो संविधान है कठोर होता है, साथ में लिखित होता है, ठीक है। संघ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियां विभाजित होती है। क्या लिखा है बताता ये, कि संघ के अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों में विभाजित किया गया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सरकार की क्या आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर सरकार के कितने अंग होते हैं, वो अगला क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के यहाँ पे तीन अंग होते हैं टोटल, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, देन सेकेंड हमारा कार्यपालिका, और थर्ड जो हमारा होता है न्यायपालिका होता है। चलिए इनके बारे में समझते देखते क्या लिखा है यहाँ पे। तो किसी भी देश में सरकार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला यहाँ पर लिखा है कानून निर्माण के लिए, यानी कि सरकार का जो मुख्य अंग विधायिका है, जहाँ पर क्या होता है, विधायिका सरकार के कानून बनाने वाली संस्था होती है। क्या होती है, कानून बनाने वाली संस्था होती है। देन सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, कानून को लागू करने के लिए। तो कानून को कौन लागू करता है, कार्यपालिका करती है। तो यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा काम क्या होता है, कानून ना मानने वाले को दंडित करना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून की बात को नहीं मानता, उसको दंडित करने का अधिकार किसको होता है, न्यायपालिका को। यानी कि न्यायपालिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका भी सरकार का एक आवश्यक अंग है, यह कानून को उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है, यानी उन्हें दंड देती है जो कानून की बात का उल्लंघन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अध्यक्ष आत्मक कार्यपालिका के तीन मुख्य दोष कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं अध्यक्ष आत्मक कार्यपालिका के दोष क्या है, इस प्रकार है, यह निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है, अतः विधानमंडल में बदलते हुए जनमत का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। सेकेंड क्या है, इसमें राष्ट्रपति या मंत्रियों पर व्यवस्थापिका का वैसा नियंत्रण नहीं होता जैसा संसदीय कार्यपालिका में होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को विधानमंडल में व्यक्त किए गए विचारों की तुरंत सूचना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है विधायिका से क्या अभिप्राय और विधायिका के दो प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में विधायिका से क्या अभिप्राय और दूसरा विधायिका के प्रकार। तो विधायिका के कितने प्रकार होते हैं, दो, एक सदनीय और द्विसदनीय। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं विधायिका से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर लिखा है कि सरकार के सभी अंगों में विधायिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। गौरगर के मतानुसार राज्य की इच्छा जिन अंगों द्वारा व्यक्त होती है, उनमें विधायिका का स्थान निस्संदेह सर्वोच्च यानी सबसे ऊँचा होता है। विधायिका केवल कानून का निर्माण नहीं करती, बल्कि प्रशासन की नीति भी निश्चित करती है। विधायिका के प्रकार, तो यह दो प्रकार की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय। तो समझते इसके बारे में, वर्तमान काल में अधिकांश देशों में द्विसदनीय प्रणाली प्रचलित है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ में द्विसदनीय प्रणाली की कुछ आलोचना की गई थी, यानी कि किसको अच्छा माना गया था, एक सदनीय को। तो क्या बोलता है कि यहाँ बोलता है कि एक सदनीय प्रणाली को अच्छा माना गया है, जबकि द्विसदनीय विधायिका की तुलना एक ऐसे घोड़ा गाड़ी से की गई थी जिसके दोनों ही पहिए विपरीत दिशा में जा रहे थे। क्या जा रहे थे, दोनों ही पहिए विपरीत दिशा में, यानी दो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। यानी कि द्विसदनीय प्रणाली को अच्छा नहीं माना गया था, किसको माना गया था, एक सदनीय प्रणाली को अच्छा माना गया। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला टॉपिक भी बता दीजिएगा, अगर आपको कैसी किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता देगा। जय हिंद, जय भारत।